मध्य प्रदेश के मंदसौर में कृषि मंडी इलाके में मेन रोड पर गुमटी वाले एक दंपति की ओर से डिप्टी कलेक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। जब उन्हें पता चला कि वे अफसर हैं तो उससे माफी मांगी। हालांकि डिप्टी कलेक्टर ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने दंपति की चाय की गुमटी तोड़ दी। बुधवार सुबह डिप्टी कलेक्टर अरविंद भाबोर निकाय चुनाव की काउंटिंग सेंटर जा रहे थे। इस दौरान एक युवक उनकी कार के सामने बाइक पर स्टंट करते हुए निकला। उसे ऐसा करते देख भाबोर ने उसे रोका और गाड़ी से उतरकर उसे समझाने लगे। ये देख पास ही चाय नाश्ते की गुमटी लगाने वाला मनोहर झाड़िया और उसकी पत्नी आ गई। दोनों भाबोर से बहस करने लगे और गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने आने के बाद दंपति को पता चला कि उन्होंने जिसे पीटा है वे डिप्टी कलेक्टर है। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने अधिकारी से माफी भी मांगी। हालांकि अधिकारी ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। मनोहर का कहना है कि वह तो युवक और अधिकारी के पास बीच बचाव करने गया था, डिप्टी कलेक्टर उल्टा उसे ही उलझ गए। पुलिस का कहना है कि दंपति पर शासकीय काम में बाधा डालने, मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। बुधवार सुबह चाय नाश्ते की गुमटी चलाने वाले पति पत्नी ने डिप्टी कलेक्टर के साथ मारपीट की। दोपहर में मावाड़ वार्ड नगर थाने में आवेदन किया। इससे पहले ही मौके पर पहुंच प्रशासन ने गुमटी को तोड़ने की कार्रवाई कर दी। मामले में अधिकारी गुमटी के असामाजिक तत्वों और जमावड़ा होने की बात कह रहे हैं। तो